मेरा भूला है भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी ने एचटुडे चैनल के साथ खास बातचीत की। रघुवंशी ने इंटरव्यू में अपनी गायकी के सफर के साथ साथ संघर्ष के पलों को भी साझा किया। एचटुडे की संवाददाता अनु शर्मा ने हंसराज रघुवंशी से विशेष बातचीत की। पेश है बातचीत की मुख्य झलकियां। नमस्कार, मैं हूं अनु शर्मा। एचटुडे के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए एपीएस एकेडमी के एनुअल शो में, जहां के चीफ गेस्ट हैं हंसराज रघुवंशी जी। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर में क्या क्या स्ट्रगल किए हैं। सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है। थैंक यू जी सो मच। जय शंकर। हाँ जी बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या स्ट्रगल किया है आपने? स्ट्रगल जी कुछ नहीं, बस गाने गाते थे पहले भी, आज भी गा रहे हैं, बस इतना सही है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने मतलब कितने गाने गाए, उनके व्यूज कितने कितने हो गए हैं। व्यूज मैंने देखे नहीं अभी, बट अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। हंसराज रघुवंशी जी, हमने सुना है कि आप बॉलीवुड में भी जा रहे हो, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, बॉलीवुड में जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, और ज़्यादा खुशी भी नहीं है। वैसे मेरे जितने भी गाने हैं वो अच्छे चल रहे हैं, लोगों की दया से, प्यार से, मोहब्बत से, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। जानते हैं रघुवंशी जी से, जो कि हमीरपुर में आए हुए हैं, एनुअल शो में आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, मैंने नाम सुना था बट यहाँ आया तो मुझे और भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। रघुवंशी जी बताइए, जो आपका नया गाना अभी आया है उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। मेरा जो नया गाना डमरू वाला करके आया है, उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मेरी प्यारी ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, और उसे दो महीने के अंदर ही उसे 50 मिलियन क्रॉस करवाया, और लाइक भी अच्छे हैं, लाइक भी मिलियन में है। तो मैं सब लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और यही प्यार आप बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय शुक्र। धन्यवाद आपका रघुवंशी जी, आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। एपीएस एकेडमी के एनुअल शो में आइए हम बात करते हैं एपीएस एकेडमी की प्रबंधक जी से। मैम बताइए कि एपीएस में एकेडमी का एनुअल शो रखा गया है, उसमें क्या क्या तैयारियां की गई हैं? एपीएस INFD हमीरपुर हरे प्रत्येक वर्ष फैशन शो का आयोजन करता है, जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी को शो करते हैं। तो आज हमने फैशन शो रखा है जिसमें टॉप मॉडल लैक्मी फैशन वीक के टॉप मॉडल वो आगे मॉडलिंग करेंगे, हमारे बच्चों के ड्रेसेस को प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें हमारे बहुत से राउंड्स हैं, जैसे प्लान है फैमिली क्वेश्चन, जैसे फैमिली में क्वेश्चन होता है मेहंदी वो कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है वो शो किया है, फिर वाटरफॉलिंग जैसे पानी है, पानी बूंद बूंद करके गिरता है और स्टीम बन जाता है, कलश का पानी वो भी एक स्टीम बन जाएगा। तो बच्चों ने ड्रेसेस में जैसे स्लीव के थ्रू या अपनी फ्लेयर में प्लीट्स के थ्रू वो शो किया है, और एक राउंड हमारा वाटर क्रिएचर है, वाटर क्रिएचर जैसे पानी के जीव, पानी में जैसे हमारे पर्ल्स शंख वगैरह होते हैं, तो उनको इंस्पिरेशन लेके बच्चों ने अपनी ड्रेसेस में शो किया है। फिर और भी हमारे जैसे रॉयल कॉस्ट्यूम में, रॉयल में रॉयलिटी शो करता है, रॉयलिटी एक कपड़े को पहनने से ही शो नहीं होती, रॉयल में डिजाइनिंग बच्चों ने कैसे की है, उन्होंने लहंगा चोली और ये सब लेके डिजाइनिंग की है। फिर रेड कारपेट, एक राउंड हमारा रेड कारपेट है जिसमें बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट कलर के गाउन्स बनाए हैं, जो कि उन्होंने विक्टोरिया, फ्रेंच पीरियड और आपके वेजन टाइम पीरियड, इन तीनों पीरियड से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने ड्रेसेस बनाई हैं, वो भी रैम पे आ रही हैं ड्रेसेस। यही हमारा मेन पर्पस होता है कि बच्चे अपनी साल भर की मेहनत को रैम पे ले आए, हमारे टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, यही हमारा मेन पर्पस है। आज हमारा एनुअल फंक्शन करने का यही मेन कॉज। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नमस्कार, पहले तो मैं सभी का स्वागत है यहाँ पे जो हमारे फंक्शन में आए। आज का जो हमारा फंक्शन है एपीएस एकेडमी की तरफ से, इसमें हमारा एनुअल फैशन शो है जिसमें बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा जो भी साल भर ड्रेसेस बनाई है उसका शोकेस किया है। हमारे जितने भी गेस्ट हैं उसमें काफ़ी मॉडल्स हैं, जो मॉडल्स आपकी दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, अलग अलग सिटीज से आई हैं। इसके अलावा जो सेंसेशन हमारे स्टार हैं बाबा हंसराज रघुवंशी जी, वो हमारे बीच हैं। ऑलरेडी उनका एक बाबा जी गाना जो है उसके ऑलरेडी 50 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं शो के लिए, और आप भी देखिए, मज़ा लिए शो का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।